दोस्तों एक कहावत है कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। अब हमारे भारत में देखो, अनेकों पाखंडियों को भगवान मान लिया जाता है, इन बाबाओं पर जबरदस्ती महान होने का ठप्पा लगा दिया जाता है, जबकि भारत के संविधान तक ने इन पाखंडियों को सजा दी है, लेकिन फिर भी इनके मूर्ख अनुभक्तों के सामने अगर आप इन बाबाओं के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो भाई साहब ये मूर्ख आपको काटने को दौड़ेंगे। जबकि कुछ ऐसे निस्वार्थ मानव सेवा करने वाले महान वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी पर जन्मे हैं जिनका नाम तक अधिकतर व्यक्ति नहीं जानते, लेकिन इन वास्तविक महान व्यक्तियों की हमारे जीवन में भूमिका भगवान से कम नहीं कही जा सकती, क्योंकि इन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन बचाए हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर की कहानी सुनाता हूँ। ये बात है सन 1822 की। उन दिनों फ्रांस के गांव में चमड़े का व्यापार कर रहे एक निर्धन व्यापारी की बड़ी तमन्ना थी कि काश वो अच्छे से पढ़ लिख पाता तो किसी बड़े ऑफिस में आराम से कुर्सी पर बैठकर हुक्म चला रहा होता। अगर मैं पढ़ लिख लिया होता तो पूरे दिन मरे हुए जानवरों का बदबूदार चमड़ा नहीं उतारना पड़ता। वो व्यापारी अक्सर मन ही मन ऐसा सोचा करता था। तभी उसे खबर मिली कि उसकी गर्भवती पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया है। ये खबर सुनकर वो चमड़े का व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि भले ही वो ना पढ़ पाया हो, लेकिन वो अपने बच्चे को जरूर पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाएगा। जब वो बच्चा यानी लुई पाश्चर 5 साल का हुआ तो पिता ने निर्धन होने के बावजूद भी उसका दाखिला बेहद महंगे विद्यालय में करवाया, किंतु पिता को तो बहुत दुख हुआ जब उन्होंने पाया कि उनका बच्चा पढ़ाई में बेहद कमजोर था। कक्षा के साथी छोटे लुई को मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वैसे लुई बहुत ही मेहनती थे, स्कूल में जाने के साथ साथ पिता के काम में भी उनका हाथ बटाते थे। तभी अचानक से एक अनहोनी घटना घटी। असल में जिस गांव में लुई और उसके पिता रहा करते थे वो गांव जंगल के बेहद करीब था और उस जंगल में काफी भेड़िया रहा करते थे। जंगल से पागल हो चुका एक भेड़िया आया और उसने एक ही दिन में गांव के 8 लोगों को काट लिया। खैर दिन बीतने के साथ साथ गांव वालों ने किसी तरह से उस भेड़िया का काम तमाम तो कर दिया, लेकिन उस पागल भेड़िया द्वारा काटे गए 8 लोगों में से 5 लोग अगले कुछ सप्ताह में ही रेबीज का शिकार हो गए। उन 5 लोगों के हालात बिल्कुल उस पागल भेड़िया जैसे ही हो गए। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगे, पानी को देखकर डरने लगे और अगले कुछ दिनों में ही उनकी तड़प तड़प के मौत हो गई। बालक लुई ने उन लोगों का तड़पना देखा। वो छोटे होने के बावजूद भी हर तरह से उनकी मदद करना चाहते थे, किंतु उन लोगों की मदद एक बालक या दुनिया का कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया पूर्ण रूप से लाइलाज बीमारी है। गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी। अक्सर जंगल से पागल भेड़िया या कोई पागल कुत्ता गांव वालों को काट लेता था, जिससे रेबीज की वजह से लोगों की मौतें होती रहती थी। किंतु बालक लुई ने अपने जीवन में पहली बार देखा था। वो हमेशा अपने पिता से पूछते रहते कि क्यों नहीं उन लोगों को बचाया जा सका, उन्हें कोई दवाई देकर ठीक क्यों नहीं किया गया। तंग आकर लुई के पिता ने कहा कि बेटा तुम खुद क्यों नहीं उस बीमारी का इलाज ढूंढते, खूब पढ़ो नई खोजें करो, अगर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तो इस बीमारी का इलाज भी खोज लोगे। बस यही बात बालक लुई के दिमाग में घर कर गई। उन्हें लगा कि अगर पढ़ाई करने से इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है तो मैं रात दिन पढ़ूंगा और इस तरह से लोगों को नहीं मरने दूंगा। अब लुई ने ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू किया, जिससे उनके पिता बहुत खुश हुए। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद लुई को आगे की पढ़ाई के लिए पिता ने पेरिस भेजा। इन सब के लिए उनके पिता को बहुत बड़ा कर्ज भी लेना पड़ा था। लुई ने विज्ञान के हर क्षेत्र में पढ़ाई की, पहले रसायन विज्ञान फिर भौतिकी। 1842 में वो स्ट्रासबर्ग विश्वविद्यालय में बतौर प्राध्यापक पढ़ाने लगे, किंतु दूसरों को पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने खुद ज्ञान अर्जित करना कभी नहीं छोड़ा और इस दौरान उन्होंने जीव विज्ञान को समझना शुरू किया। लुई ने अपने प्रयोगों में पाया कि लगभग हर खाने वाले पदार्थ में बेहद ही छोटे कीड़े होते हैं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि नग्न आंखों से इन्हें देख पाना संभव नहीं होता, बल्कि सिर्फ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। लुई ने इन कीड़ों को जीवाणु का नाम दिया। इससे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में जीवाणु जैसे किसी जीव के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लुई ने जाना कि इन जीवाणुओं की वजह से ही खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं। उन्होंने देखा कि ये जीवाणु अधिक तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्होंने दूध को 75 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके तुरंत ठंडा किया तो पाया कि अब दूध पहले की तरह जल्दी से खराब नहीं होता, क्योंकि गर्म करके ठंडा करने के कारण दूध के सभी जीवाणु मारे गए। वास्तव में दूध के अंदर मौजूद जीवाणु ही दूध को खराब करते थे। दूध को गर्म करके ठंडा करने की तकनीक को आज भी लुई पाश्चर के नाम से जाना जाता है और इसे पाश्चराइजेशन तकनीक कहा जाता है। अब लुई पाश्चर के दिमाग में एक विचार आया कि जिस तरह से ये जीवाणु हर खाने पीने की चीजों में पाए जाते हैं, तो हो सकता है उसी तरह से ये जीवाणु हमारे शरीर में भी पाए जाते हों और यही जीवाणु हमें बीमार करते हों। हो ना हो रेबीज के लिए भी यही सूक्ष्म कीड़े जिम्मेदार हैं। उन्होंने सोचा, अगर किसी तरह से मैं रेबीज के उन कीड़ों की पहचान करके उन्हें खत्म करने का तरीका समझ लूं, तो संसार को सदा के लिए इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। बस इसके बाद लुई साहब ने ना रात देखा ना दिन। उन्हें जहां कहीं किसी रेबीज हो चुके कुत्ते या भेड़िया देखे जाने की खबर मिलती वो तुरंत वहां पहुंच जाते, फिर भले ही वो जानवर उन्हें काटकर खुद उन्हें ही रेबीज का शिकार बनाते, लेकिन वो हर हाल में अपनी जान जोखिम में डालकर उस जानवर को पकड़ते और उसके रक्त की जांच करते। उन्हें ना खाने की सुध होती न खुद के परिवार की। मानवता की भलाई के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी पागल कुत्तों की धड़पकड़ को ही समर्पित कर दी। परिवार की तरफ ध्यान ना दिए जाने के कारण उनकी पत्नी भी उनसे नाराज रहने लगी, किंतु लुई पाश्चर को अपने त्याग का परिणाम मिला। उन्होंने रेबीज के वायरस की पहचान कर ली। उन्होंने जाना कि पागल कुत्ते या भेड़िए जैसे जीवों के शरीर के साथ साथ लार में भी यह वायरस मौजूद होता है, और जब रेबीज से प्रभावित जानवर किसी इंसान या अन्य स्वस्थ जानवर को काटता है तो उसके मुंह की लार से निकला रेबीज वायरस घाव के माध्यम से स्वस्थ जानवर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उस दूसरे जानवर को भी रेबीज से संक्रमित कर देता है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि शरीर के अंदर पहुंच चुके इस वायरस को नष्ट कैसे किया जा सकता है। अब दूध की तरह मानव शरीर को तो उबाला नहीं जा सकता।
पास्टर साहब का ये भली भांति मानना था कि हमारे शरीर के अंदर सभी प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए शक्ति छुपी हुई होती है, जिसे हम इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक प्रणाली कहते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली रेबीज के वायरस से लड़ने में हार क्यों मान जाती है। तभी उनके किसी दोस्त ने उन्हें अपनी मुर्गियों में फैले गए किसी हैजे जैसे रोग के बारे में बताया। उनके दोस्त ने कहा कि एक एक करके उनकी सभी मुर्गियां मर रही हैं। लुई पास्टर ने अपने प्रयोग उन बीमार मुर्गियों के साथ शुरू कर दिए। उन्होंने पाया कि कुछ ऐसे भी जीवाणु या विषाणु होते हैं जो किसी भी जीव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे देते हैं। यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उस विषाणु से लड़ तो सकती है और उसे नष्ट भी कर सकती है, किंतु वो विषाणु हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से छुपकर अपना कार्य करता है। तो कैसे इतने होशियार हो चुके विषाणुओं की पहचान रोग प्रतिरोधक क्षमता से कराई जाए? क्योंकि अगर एक बार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस विषाणु को पहचान पाती है तो निश्चित तौर पर उस विषाणु से लड़ भी पाएगी। लेकिन ये सब कैसे होगा? ये सोचते सोचते लुई पास्टर ने खाना पीना और सोना तक छोड़ दिया। दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आखिरकार लुई पास्टर को सफलता मिली। हुआ ये कि मुर्गियों के साथ अपने प्रयोगों के दौरान उन्होंने मर चुकी मुर्गियों के रक्त से उन्हें बीमार करने वाले विषाणुओं को निकाला और उन विषाणुओं को एक खास तरह के लवण में डाला। इस लवण के प्रभाव से विषाणु निष्क्रिय हो चुके थे। अब इस लवण का इंजेक्शन उन्होंने उन मुर्गियों को लगाना शुरू किया जो बीमारी से प्रभावित नहीं थी बल्कि बिल्कुल स्वस्थ थी। नतीजे हैरान कर देने वाले थे। जिन जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था उन्हें आगे चलकर कोई बीमारी नहीं हुई, जबकि बाकी की मुर्गियां जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया गया था यूं ही बीमारी से प्रभावित होकर मरती रही। लुई साहब का अंदाजा बिल्कुल सही साबित हुआ। असल में जब लवण से निष्क्रिय किए गए विषाणु मुर्गियों के शरीर में गए तो वो विषाणु निष्क्रिय होने की वजह से मुर्गियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए और ना ही उन्हें सक्रिय विषाणुओं की तरह खुद को छुपाना आया। और मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उनकी पहचान करके उन्हें खत्म करने की शक्ति विकसित कर ली और उसी शक्ति ने निष्क्रिय और सक्रिय दोनों तरह के ही विषाणुओं को नष्ट कर दिया। अब इस हैजे जैसी बीमारी के विषाणु मुर्गियों के शरीर पर बेअसर हो चुके थे। दोस्तों, मानवता के इतिहास में ये बहुत बड़ी खोज थी। इसी खोज को आधार मानकर अगले कुछ दशकों में अनेकों प्राण घातक बीमारियों के इलाज विभिन्न खोजकर्ताओं ने ढूंढे। लुई पास्टर ने इस खोज से उत्साहित होकर जब अपने प्रयोगों को आगे बढ़ाया तो उन्हें अपने बचपन के सपने यानी रेबीज के इलाज को ढूंढने में सफलता मिल गई। उन्होंने रेबीज के वायरस को निष्क्रिय करके एक स्वस्थ कुत्ते में डाला, जिससे उस कुत्ते के शरीर में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उस वायरस को पहचान कर उसे बेअसर करने की शक्ति ईजाद कर ली। जब उस कुत्ते के शरीर में रेबीज के सक्रिय वायरस डाले गए तो भी कुत्ते को रेबीज नहीं हुआ, वो बिल्कुल स्वस्थ रहा, क्योंकि कुत्ते के शरीर ने रेबीज के वायरस से लड़ना सीख लिया था। शुरुआती अनुसंधानों के नतीजे बेहद सकारात्मक थे, जिससे लुई पास्टर बेहद खुश और उत्साहित थे। किंतु ये प्रयोग मनुष्य के शरीर पर भी सकारात्मक असर दिखाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लुई इसी विषय पर अनुसंधान कर ही रहे थे तभी एक महिला अपने बच्चे को लेकर उनके पास रोते हुए आई। महिला ने बताया कि दो दिन पहले ही एक पागल कुत्ते ने उसके बच्चे को काटा है और हर घंटे उसके बच्चे के हालात खराब हो रहे हैं। लुई पास्टर ने जांच की तो पाया कि बच्चे को कुत्ते ने बुरी तरह से काट लिया था। जिस कुत्ते ने बच्चे को काटा था, लुई पास्टर ने किसी तरह से उस कुत्ते को पकड़ के उसकी जांच की तो पाया कि वो कुत्ता रेबीज का शिकार था, यानी अब वो बच्चा भी रेबीज का शिकार हो जाएगा। भले ही लुई साहब ने रेबीज के इलाज को सफलतापूर्वक एक कुत्ते पर आजमा लिया था, किंतु किसी इंसान पर इस इलाज को आजमाना बेहद जोखिम भरा काम हो सकता था। चूंकि शरीर में रेबीज के प्रति रोग प्रतिरोधक बनाने के लिए रेबीज का ही वायरस बच्चे के शरीर में छोड़े जाना था, भले ही वो वायरस निष्क्रिय होता लेकिन फिर भी मानव शरीर में जाकर वो क्या असर करता इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। बच्चे की मां लुई के सामने अपने बच्चे के प्राण बचाने के लिए गुहार लगा रही थी, किंतु लुई साहब के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था। उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन अभी शुरुआती स्टेज पर ही थी, अभी उन्हें बहुत सारे प्रयोग करके देखने बाकी थे। अगर वो बच्चे पर अपना प्रयोग आजमाते और सफल ना हो पाते तो बच्चे के खराब होते हालात का सारा दोष निश्चित रूप से लुई पास्टर के सर मर दिया जाता, उनका सामाजिक बहिष्कार तक कर दिया जाता और उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती थी या फिर बच्चे की मौत भी हो सकती थी। लेकिन वैक्सीन ना आजमाने की स्थिति में भी बच्चे की मौत होना निश्चित थी, इसलिए लुई पास्टर ने वैक्सीन आजमाने का फैसला लिया। उन्होंने शुरुआत में कम मात्रा में निष्क्रिय रेबीज वायरस बच्चे के शरीर में इंजेक्ट किए, फिर वो प्रतिदिन डोज बढ़ाते रहे। ऐसा करते करते उन्होंने लगातार 21 दिनों तक उस बच्चे को इंजेक्शन दिए और आखिरकार उन्हें पूरी मानवता की रक्षा करने वाली महान आश्चर्यजनक सफलता मिली। उस बालक को रेबीज नहीं हुआ। लुई पास्टर की खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी और मानवता को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। दोस्तों, रेबीज मानव के ज्ञात इतिहास की सबसे प्राचीन बीमारी मानी जाती है। प्राचीन समय में गुफाओं में भी इस बीमारी से संबंधित चित्रण मिलते रहे हैं और इस अति प्राचीन बीमारी के इलाज के लिए जब 1885 में लुई पास्टर ने रेबीज के टीके की खोज की तो उस समय पूरे विश्व की जनसंख्या 150 करोड़ थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से हर साल करीब 1 करोड़ लोग कुत्तों, भेड़ियों, गीदड़ों, चमगादड़ों आदि द्वारा काटे जाते थे। ये तमाम जानवर रेबीज के प्रमुख जनक हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लुई द्वारा इजाद किए गए रेबीज के टीके ने आज तक कितने करोड़ लोगों की जानें बचाई होंगी। हालांकि रेबीज हो जाने के बाद उसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन किसी पागल जानवर के काटने के तुरंत बाद से लेकर 3 दिन तक अगर रेबीज का टीकाकरण शुरू हो जाए तो लगभग 100% लोगों पर रेबीज हो ही नहीं पाता।
इस महान उपलब्धि के बाद लुई को फ्रांस सरकार ने सम्मानित किया और उनके नाम से पास्टर संस्थान की स्थापना की गई। किंतु लुई पास्टर समाज का भला करने की धुन में खुद के परिवार का ख्याल नहीं रख पाए। जिस समय वह रेबीज के टीके के लिए अनुसंधान कर रहे थे, उसी दौरान उनकी 3 बेटियों में से 2 की मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो गई और तीसरी बेटी टाइफाइड का शिकार होकर चल बसी। बच्चियों की मौत के बाद लुई पास्टर की पत्नी को अपने पति के सहारे की बहुत जरूरत थी, लेकिन उन दिनों लुई समाज की भलाई के लिए रेबीज के इलाज को लेकर नित नए प्रयोग करते रहते थे। वो या तो समाज की भलाई के लिए समय निकाल सकते थे या पत्नी के लिए। उन्होंने समाज को चुना। अकेला पड़ जाने के कारण ही लुई की पत्नी मानसिक रोग का शिकार हो गई। थोड़े समय बाद लुई पास्टर का आधा शरीर भी लकवाग्रस्त हो चुका था। बावजूद इसके वे अनुसंधान जारी रखे हुए थे। 1895 में 73 साल की उम्र में लुई पास्टर की मृत्यु हो गई। बहरहाल मानवता की रक्षा में उनका योगदान अतुलनीय है। आप खुद सोचिए कि लोगों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले एक वैज्ञानिक महान है या ये अपराधी बाबा। खैर, कुछ लोगों की अकल पे तो पर्दे पड़े हुए होते हैं, उन्हें कुछ समझना आता ही नहीं। वो इन बाबों की फोटो अपने घर में बने मंदिरों में रखकर इनकी पूजा करते हैं। ऐसे गवारों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, किंतु यदि आपको या आपके परिवार या चाहने वालों में से कभी भी किसी को भी किसी कुत्ते ने काटा है, जिस वजह से आपको या आपके चाहने वाले को रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़े हैं, तो आपको एक बार लुई पास्टर को हाथ जोड़कर नमन।